गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आर चैप्टर फैब्रिक टू फाइबर. ओके, टेबल नंबर 3.1, अदर प्लांट फैब्रिक फाइबर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस. लेट्स सी व्हाट इज दिस. कॉयर, कॉयर इज अ फूड फाइबर. It is coarse, short fiber obtained from outer shell of coconut. We get this fiber from outer shell of coconut. In making ropes, fishing nets and mattresses. It is used for making ropes, fishing nets and mattresses. Flax, bast fiber. Strongest plant fiber obtained from the stem of the plant. It is clear, we get it from stem of the plant. It is one of the first fiber used in textile industry. ये ऐसा fiber है जिसपे textile work industry में होता है. ठीक है, used for textile industry. In making linen fabric, which is valued for exceptional coolness in हॉट वेदर. लास्ट इज हम फाइबर, बास्ट फाइबर. स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर कंटेनिंग 70% ऑफ सेल्यूलोज. इन मेकिंग रोप्स, रोप्स बनते से कैनवस पेपर एंड लिनन लाइक फैब्रिक. ओके, नाउ स्टार्ट एनिमल फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन from animals are known as animal fiber. That is clear, we obtain this from the animals. Wool, silk are common example of animal fiber. We get wool and silk from animals. Wool. Wool is mainly obtained from the fleece or of sheep or other hairy animals such as yak, camel, Kashmiri goat and Angora rabbit. ठीक है, we get wool from these animals, the fleas of these animals. Fleas किसको कहते हैं जो इनके हेयर होते हैं जो बॉडी में. The sheep is shared to obtain fleece. वो शेयर करती है. Shearing is the process of removing hair from the sheep. देखिए ये कर रहा है ना, removing hair कर रहा है from the sheep. This process is called shearing. It is done with the special instruments called clippers. The instrument which is used for shearing is called clippers. After shearing, bales of the wool are packed kar dete hain. These bales are send to mills. उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, मिल्स में. वेयर दे आर क्लीन, जहाँ उसे साफ करते हैं. एंड कॉम्ड, और उसकी कॉम की जाती है बाय अ मशीन. दिस क्लीन्ड वूल इज देन स्पन टू फॉर्म ऑफ फाइबर. उसके बाद स्पन करके उसको फाइबर के रूप में बनाते हैं. दिस फाइबर आर वोवन, फिर इनको वोव किया जाता है. और नीड टू मेक क्लॉथ, उससे फिर उसके कपड़े बनते हैं. ठीक है, ये वुल तब बनता है. प्रॉपर्टीज ऑफ वुल, वुल की क्या क्या प्रॉपर्टी है. वुल इज फ्लेक्सिबल. वुल जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल होती है. देखिए, आप कभी भी स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं और उसको पहनते तो आपकी बॉडी की शेप ले लेता है. सो इट इज द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वुल दैट इट इज फ्लेक्सिबल. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड डर्ट. जो मॉइस्चर और डर्ट होती है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है. इट फ्लेम रेसिस्टेंट. ओके, द वूल फाइबर ट्रैप एयर. एयर को जो है वो ट्रैप कर दिए. इन बिटवीन देम, जो उसके फाइबर है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं. एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. दिस प्रिवेंट flow of heat from our body to cold surrounding. और वो क्या करती है, prevent करती है flow of heat की from our body, हमारी body से to the cold surrounding, ठंडी
सराउंडिंग से। दस, वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर। देखिए वुलन से क्या हुआ, आपके एयर जो है वो क्या कहते हैं, एयर जो है वो अंदर ही रही, आपकी बाहर नहीं निकली, और वो जो हीट थी वूल की वो आपको मिल रही है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आर बॉडी, जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारे अंदर ही रही है और अंदर ही है और कोल्ड सराउंडिंग से हमें बचा रही है। दस, वुलन क्लॉथ्स कीप आर बॉडी वार्म इन विंटर। वो वूल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, बेडिंग, अपहॉल्स्ट्री, कारपेट। वूल इज ऑल्सो यूज फॉर स्वेटर्स, कार्डिगन्स, ओके एंड शॉल्स। सिल्क, नाउ सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। वी गेट सिल्क वॉर्म, वी गेट कोकोन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। अ सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स पर वो फीड करते हैं, एंड स्क्रेट्स एंड अनब्रोकन फाइबर कोकोन कोकोन अराउंड इट्सेल्फ। कोकोन अपने चारों तरफ उसका फाइबर फैला लेता है। एज सिल्क वॉर्म एंटर्स द प्यूपा, जो सिल्क वॉर्म होता है वो प्यूपा में चेंज होता है। स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इट कम्प्लीटली इनक्लोज इट्सेल्फ इन कोकोन मेड ऑफ सिल्क। ठीक है, एज अ सिल्क वॉर्म एंटर प्यूपा, जो सिल्क वॉर्म था वो प्यूपा में एंटर हो गया। स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल से, ये देखिए कोकून है, ये सिल्क वॉर्म है। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली इनक्लोज इट्स सेल्फ इन कोकून मेड ऑफ सिल्क, कोकून में बन गया जो मेड ऑफ सिल्क से बना है। दिस कोकून इज बॉइल्ड, अब इस कोकून को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, एंड अनवाउंड टू फॉर्म ऑफ फाइबर, उससे क्या होता है, फाइबर बन जाता है। दिस फाइबर इज देन स्पन टू फॉर्म ऑफ सिल्क यार्न, फिर इस फाइबर से हम लोग क्या करते हैं, स्पन बनाते हैं टू फॉर्म सिल्क यार्न, सिल्क यार्न बन जाता है, यार्न मीन्स धागा। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो रेयरिंग होती है, स्कॉर्ड सेरिकल्चर, इसको हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। द सिल्क फाइबर इज मेड इन टू फैब्रिक, जो सिल्क फाइबर है वो फैब्रिक बनाने, फैब्रिक बना दिया जाता है, इज मेड इन टू फैब्रिक, सच एज साटन, वेलवेट, शिफॉन, क्रेप एंड ब्रोकार्ड्स। द फर्स्ट सिल्क वॉज डेवलप्ड अराउंड 5,000 टू 8,000 ईयर्स अगो इन चाइना। फ्रॉम चाइना इट कम्स टू इंडिया, यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। द ट्रेड रूट बिटवीन दीज कंट्रीज वॉज नोन एज सिल्क रूट। इस जो ट्रेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट ड्राइज क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं करता। इट कूल्स इन समर, समर्स में कूल, वार्म इन विंटर, और विंटर में कूल रहता है। सिल्क थ्रेड आर वेरी फाइन, जो सिल्क के थ्रेड होते हैं बहुत फाइन होते हैं, सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट, सॉफ्ट होते हैं और उनका वेट बहुत लाइट होता है। इट रिटेन्स इट्स शेप, वो अपनी शेप बदल लेता है, वो रिटेन कर लेता है। ड्रेप्स वेल, हैज अ नेचुरल शाइन, उसमें नेचुरल शाइन होती है। कैन बी इजली ड्राइड, बहुत जल्दी सूख जाता है। Track your progress. Give one word answer. A fiber obtained from stem of plant. Jute. A fiber obtained from the fleece of sheep. अभी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पढ़े थे। Fleece of sheep से कौन सा fiber? Wool. Very good, Shaurya. Clap for Shaurya, Deepika Nadanda. Fibers obtained from natural sources.
नेचुरल फाइबर, हाँ, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, स्पिनिंग, द रेयरिंग ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सेरिकल्चर. ओके चिल्ड्रन, डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड रीड दिस टू फाइबर्स, सिल्क एंड जूट, वेरी केयरफुली. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट सिंथेटिक फाइबर. ओके ओके चिल्ड्रन, गुड डे.